हेलो रैंकर्स। हाँ तो भाई चले नए चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर पढ़े बताओ तुम लोग। बता दिया यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई इनऑर्गेनिक बोलते हैं रटने वाली, ठीक। बाकी रटने का कुछ होता नहीं, समझ आ जाए तो इनऑर्गेनिक में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मेजरली जो मतलब रटने वाले भी होते हैं उनको भी एक चैप्टर समझना पड़ता है जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। अब रटने वाले बच्चे होते हैं उनकी इनऑर्गेनिक तो बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ रट डालते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई रटने का चैप्टर ही नहीं है तो कहाँ से समझ आएगा, पहले समझो इस चैप्टर को तभी आएगा, ठीक। तो हमको पता नहीं, नॉर्मल कुछ चीजें मिलते हैं जैसे FeSO4 मिल गया हमें, वाटर, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड्स। देखो बेसिक से देखना, ठीक है, बेसिक से चलेंगे जैसे हर चैप्टर में चलते हैं कंपाउंड्स, ठीक। तो जब कुछ है कंपाउंड्स, देखो एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। लेकिन जब कुछ कंपाउंड्स मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जब कुछ कंपाउंड्स मिलके एक नया कंपाउंड मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, ठीक। क्या बोलते हैं उसको, एडिशन कंपाउंड। क्योंकि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जो कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू कंपाउंड से मिलके बना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या होता है, आयरन साइनाइड या आयरन साइनेट, क्या होता है, चलो कमेंट करो बताओ क्या होता है, ठीक। क्या बना लेगा, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, दोनों ने मिलके बना लिया कुछ ऐसा। जुड़ गए दोनों आपस में, जुड़ गए। तो ये क्या था कंपाउंड, ये क्या था कंपाउंड, जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ के बना लिया एक नया कंपाउंड, उसको हमने बोल दिया एडिशन कंपाउंड। बोलो हुआ क्या क्लियर, ठीक है। एक पोटाश एलम, जो जो जाते हैं बार बार के, अब तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं पुराने लोग, अपने दादाओं से पूछना, अपने पापा से भी पूछना, वो बता देंगे। फिटकड़ी जिसको बोलते हैं, पोटाश एलम, जब बार बार रगड़ता है दर्द होता है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे पापा ही बताते हैं, ठीक है। ये पोटाश एलम होता है, मोर साल्ट सुना होगा ना, तो 12th वाले या 11th वाले, 11th वाले अभी तो नहीं सुना होगा, प्रैक्टिकल में क्रिस्टल बनाते हैं ना, किस किसने क्रिस्टल बनाए हैं कमेंट करो, चलो बताओ किस किसने क्रिस्टल बनाए हैं। मैंने तो बनाए हैं भाई, ठीक। ये एक लंबी चौड़ी रिएक्शन जिसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। जो क्रिस्टल बनाते हैं वो भी नहीं याद करते, बस क्रिस्टल बना लेते हैं, Al2SO4 की thrice 24H2, ठीक। ये होता है क्या, पोटाश एलम, ठीक। इसको हम बोलते हैं पोटाश एलम। एलम बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमने जो बनाया वो पोटाश एलम। मोर साल्ट होता है एक, है ना। तो ये सब क्या, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड मिलके बना दिए कंपाउंड, जिसको हमने क्या बोला, एडिशन कंपाउंड, ठीक। अब कई लोग बोलेंगे यार पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ा रहा है एडिशन कंपाउंड, क्या कुछ भी। अरे रुको रुको रुको, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से जानो, ठीक ठीक भाई। एडिशन कंपाउंड पता चला हमें क्या होता है। अब देखो, अब देखो, अब एडिशन कंपाउंड होता है दो टाइप का। पहला डबल साल्ट, कई लोगों ने तो सुना भी होगा नाम डबल साल्ट। और एक होता है क्या क्या क्या, जिसको पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आया क्या तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे गालियां देते हो यार तुम लोग मेरे को, पहले देखो
देखो तो सर आ गया ना, तो एडिशन कंपाउंड के भी दो पार्ट होते हैं क्या, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते हैं पहले सिंपल सा डिफरेंस, क्योंकि देखो भाई दोनों एडिशन कंपाउंड है, किसी कंपाउंड से मिलके बने हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा। ठीक, कोई भी डबल सॉल्ट है, जैसे अभी हमने क्या लिया था, K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस .24H2। पोटाश एलम होता है भाई एक डबल सॉल्ट, ठीक, पोटाश एलम क्या होता है, एक डबल सॉल्ट होता है। ठीक, अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है भाई, ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, लीजेंड्स होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, अभी नहीं पढ़ रहे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से, कि क्या सेंट्रल एटम होता है, क्या कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है, कैसे सब कुछ। ठीक, उसको हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसको मैंने किया हाइड्रोलिसिस वॉटर में, कुछ लोग बोलेंगे यार पहले से वॉटर में है, तो मैंने इसका किया हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस करते ही ये पोटाशियम के आयंस में अलग टूट गया, ठीक, सल्फेट के आयंस में अलग टूट गया, एल्यूमिनियम के आयंस में अलग टूट गया, ठीक, सब अलग हो गए। ठीक, डबल सोल्ट ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, खो दिया, अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, खो दिया, अलग 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 आयन में हो गया ब्रेक। ठीक, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे, वॉटर में डालने पे, पानी में डालने पे अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, अलग 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 कंपाउंड में हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डबल सॉल्ट, उनको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। और ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे ब्रेक नहीं होते, आयंस में नहीं टूटते, अब लोग बोलेंगे यार देखो मैंने इसको पानी में डाल, ठीक, के प्लस अलग हो गया और PtCl6 अलग हो गया, ठीक, इधर क्या आ जाएगा, -2। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो बोल रहा था कि अलग नहीं होते, यहाँ पे तो अलग हो गए, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे हर एक आयन अलग अलग हो गया, एल्यूमिनियम अपना अलग गया, पोटाशियम अपना अलग गया, सल्फेट अपना अलग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लेटिनम और क्लोरीन अलग हुए, हुए क्या, नहीं हुए। तो ऐसे जो कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करते, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। बोलो हो गया इतना क्लियर, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी, एक एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे और पूरा चैप्टर ऐसे हो जाएगा ना मक्खन के जैसे, बिल्कुल स्मूथ सब बात है, तुम लोगों को कहीं से कुछ भी पूछ लो। ठीक है, अब नॉर्मल साइज के अंदर क्या करें, डिफरेंस देखें, चलो तो भाई एक सिंपल से इसमें दो तीन डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, और क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर तुम लोग बता सकते हो क्या, पहले तो यही होगा भाई कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि डिसोसिएशन के बाद भी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, मैंने बोला ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, मतलब इसके अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, ठीक, डबल सॉल्ट नहीं रहता, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, हर एक आयन में अलग हो गया, लेकिन इसकी जो डिसोसिएशन के बाद प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, ठीक भाई, कुछ एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा, मोर सॉल्ट, पोटाश एलम, जिनके हम क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक, पोटाश एलम, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताऊं, अरे रहने दो, पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी में से, देख लेना जो भी चैप्टर मैं करवाता हूँ, एक बार एनसीईआरटी जरूर देखना यार तुम लोग, ठीक, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन देख लोगे तो एक्स्ट्रा ही कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छे से कवर होगा सिलेबस, तो एक बार देखना हमारा फर्ज है और हम देखेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल नहीं बता रहा, अब कई लोग बोलेंगे बता नहीं रहा यार, अरे क्या करूं, बता के पढ़ना तो यही है पूरे चैप्टर में, इसी के एग्जांपल्स आते रहेंगे। ठीक है, ठीक भाई, एक इसके अंदर ये याद रखना कि इसके अंदर एक नॉर्मल वैलेंसी होती है, ठीक, जो वैलेंसी होती है वो इसकी वैलेंसी होती है,
अब कई लोगों के गया ऊपर से, इसके अंदर होती है डबल वैलेंसी, दो वैलेंसी शो करता है ये, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब जिन लोगों को पता, अब मैं यहीं पे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बताऊंगा, जब हम थ्योरीज के अंदर जाएंगे जब आएगा ये टॉपिक, ठीक। अभी बस तुम लोग बेसिक सा डिफरेंस याद रखो कि भाई देखो डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इनमें ये डिफरेंस होता है, ठीक। डबल सोल्ट ये होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये होते हैं, ठीक। खत्म, इतना ही याद रखना इस लेक्चर के अंदर, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हम, ये सिंपल सा बेसिक था कि भाई कहां से आया, कहां से क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता डबल सोल्ट क्या होता, उनको पता ही नहीं होता एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, फिर उनके ऊपर से वहीं से जाना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये बोलो बेसिक से बताया कि भाई कैसे कहां से क्या चीज आती है, ठीक है। तो इतना रखो तुम लोग ध्यान में, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि भाई क्या लीजेंड्स होते हैं, क्या सेंट्रल एटम होता है, ठीक, क्या कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अब तक के लिए थैंक यू, मतलब इतना तुम लोग कर लेना, अब ज्यादा तो नहीं करवाया यार, मुझे भी पता है देखो, ठीक, लेकिन तुम लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन भी आ जाता है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस के ऊपर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।